हेलो दोस्तों, मैं रोमा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल किचन हाउस में। तो जैसा कि हम सबको पता है कि आज रक्षाबंधन है, तो चलिए इस अवसर पे आज हम कुछ मीठा बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम बनाएंगे रसगुल्ला। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे, ताकि मैं ऐसे ढेर सारी रेसिपी की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ सकूं और आप लोगों के साथ इसे शेयर कर सकूं। सबसे पहले हम लेंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध और इसे हम अच्छी तरह उबाल लेंगे। अच्छे से इसे उबाल लेना है और अब हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस, 1 ताकि दूध अच्छी तरह से फट जाए। अच्छे से इसे डालकर चलाते रहना है। देखिए दूध फट चुका है, कुछ इस तरह से दूध हो जाएगा। अब एक जालीदार बर्तन में हम 1 सूती साफ कपड़े को डालेंगे, पतले कपड़े को, और इसे हम छेना को छान लेंगे। कुछ इस तरह से इसके अंदर का पानी निकाल देंगे और अब हम इसे पानी से अच्छी तरह से धो देंगे, ताकि इसके अंदर का नींबू का फ्लेवर चला जाए, इसके अंदर का खट्टापन चला जाए। इसे अच्छी तरह से धो देंगे, फिर इसे कुछ इस तरह से कर देना है। अच्छी तरह से इसे घुमा घुमा कर इसके अंदर का पानी निकाल देंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम किसी जगह पे अच्छे से इसे टांग देंगे कि इसके अंदर का बचा हुआ पानी भी निकल जाए। कुछ इस तरह से देखिए इसके अंदर का पानी पूरा निकल चुका है और अब हम इसे अच्छे से हाथों से मिलाएंगे। अच्छे से इसे हथेली से, उंगली से, इस तरह से हम अच्छे से मैश करेंगे इसे। पहले थोड़ा थोड़ा आप इस तरह से भी इसे मिला सकते हैं, हथेली पे भी, दोनों हाथों से इसे अच्छी तरह से इसे मत देंगे हम। इसे बिल्कुल ही स्मूथ बना देना है, कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से, और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदा, छोटा चम्मच, 2 छोटे चम्मच मैदा को डालेंगे और उसे भी हम अच्छी तरह हथेली की मदद से अच्छे से इसे मथ देंगे, मिला देंगे अच्छे से, कुछ इस तरह से। देखिए जैसा कि हम देख सकते हैं, और अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे इस तरह से हथेली की मदद से। हथेली पे हल्के हल्के हाथों से इसे घुमाकर हम इसका छोटा छोटा बॉल बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 8 बॉल बनाए हैं। अब एक बर्तन में हम 1 लीटर पानी लेंगे, उसे गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से, और अब हम उसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी, छोटे कटोरी चीनी। इसे इसका हम चाशनी बना लेंगे। इसे अच्छे से उबालना है। चाशनी हमें मोटा नहीं बनाना है, चाशनी को पतला ही रखना है। 5 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर उबालने के बाद हम इसमें बॉल को डाल देंगे। फ्लेम को हाई रखना है। सारे बॉल को हम इसमें डाल देंगे। दस से 15 मिनट तक इसे हम हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे। थोड़ी देर बाद आप खुद देखेंगे कि ये साइज़ में डबल हो जाएंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं साइज़ इनके बड़े हो गए हैं। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कितनी स्पॉन्जी है और कितनी सॉफ्ट है, देख सकते हैं आप। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।